जैसे नाचती है कठपुतली, वैसे ही कर्म नचाते हैं नाच। सब कुछ कर्म के हाथ में है, कुछ नहीं है हमारे हाथ। साथियों, हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है वो कर्म चक्र का फल है। इस जन्म में जो कर्म हम भुगत रहे हैं, जिनके परिणाम हम भुगत रहे हैं, जिसको कि हम प्रारब्ध कहते हैं, और जिन कर्मों को हम अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपने हाथों से कर रहे हैं, उसको कहते हैं क्रियमाण। और ज्योतिष शास्त्र में प्रारब्ध का पूरा जो प्रभार है वो शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव की जो स्थिति जन्म पत्रिका में होती है, उसी से ये निर्धारण होता है कि व्यक्ति को कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितने उसके पल खुशी भरे होंगे, कितने उसके पल आंसुओं से लबरेज होंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही रोचक परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। शनिदेव जो हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये प्रवेश होगा 17 तारीख को शाम को 6:04। ये लगभग 2 वर्ष का समय रहेगा, 2 वर्ष का कालखंड रहेगा। कुंभ राशि में ये जो गोचर है ये 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो ये आने वाले जो 2 वर्ष हैं ये आखिर कैसे रहने वाले हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, इसको हम राशि दर राशि जानेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव यदि जन्म पत्रिका में उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, अच्छी डिग्रियों में हैं, तो ये माना जाता है कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कुछ कार्य किए थे कि हमारा ये जन्म शनिदेव ने सुधारा है। और इसके ठीक उलट यदि शनिदेव नीच राशि के हैं, शत्रु राशि में हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, अस्त अवस्था में है, तो इसका ठीक विपरीत ये माना गया है कि पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म हमने ज़रूर किए कि इस बार इस जन्म में जो शनिदेव हैं वो न्यायाधीश के रूप में हमें जो भी सज़ा निर्धारित है वो प्रदान करेंगे। साथियों, ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है कुंभ राशि में शनिदेव का, वैसे तो गोचर होते रहते हैं, हम भी नियमित रूप से उस पर कार्यक्रम लेकर के आते रहते हैं, परंतु जितना प्रभावी ये गोचर है उतने आमतौर पर होने वाले गोचर नहीं होते हैं। यदि बात करें 7:30 की, तो 7:30 अब मकर, कुंभ और मीन राशि को प्रारंभ होने वाली है, साथ ही धनु राशि की जो 7:30 है वो समाप्ति पर है। ढैया की यदि बात करें तो कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया प्रारंभ हो जाएगी, और साथ ही मिथुन और तुला राशि को ढैया समाप्त हो जाएगी। साथियों, सबसे पहले पंचांग पर दृष्टिपात करते हैं। 17 जनवरी मंगलवार, माघ कृष्ण दशमी है, और ये जो दशमी तिथि है ये 12:36 तक रहेगी दोपहर के। बहुत संक्षेप में हम आज के दिन राशि सूत्र जान लेते हैं, क्या क्या खास आपके साथ में घटित होने वाला है, फिर गोचर की चर्चा करेंगे, और फिर हमारे कुछ सम्मानित दर्शकों के जो कमेंट हैं उनको हम शामिल करेंगे। तो आज के दिन जो मेष राशि है उनकी जो नौकरी पेशा है ख़ास तौर पर, वो सुन लें कि अपने बॉस की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। निश्चित रूप से जो भी आपने उनसे मांगा था वो आपको ज़रूर आज मिल जाएगा। वृषभ राशि के लिए सावधानी आज ये बरतनी है कि निवेश आपको नहीं करना है, चाहे कितने ही आपको सब्ज बाग दिखा दिए जाएं, आज के दिन का जो निवेश है वो आपके लिए घाटे का ही सौदा साबित होगा। मिथुन राशि के आज परिवार में कोई ना कोई मांगलिक, कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर होगा, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। कर्क राशि के जातकों का आज खर्च जो है वो आवश्यकता से अधिक होगा, जो आपने बजट बनाया था उससे हट करके, उसकी सीमा लांघ करके आगे भी आपको खर्च करना पड़ेगा। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके व्यापारिक संपर्क आज बढ़ेंगे, और व्यापारिक संपर्क से उनके धन आगमन की जो राह है वो भी आसान होगी। कन्या राशि के जो जातक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में हैं, उनको मन चाही पोस्टिंग मिल सकती है, मन चाहा उनका ट्रांसफर हो सकता है। तुला राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर विद्यार्थियों को मैं संबोधित करूंगा, आज जितने भी परिणाम आने वाले हैं उनमें आप
यदि अपियर हुए थे, आज रिजल्ट आएगा तो वो आपके फेवर में ही रहेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको अपने बच्चों से कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का सूत्र है कि आपको किसी की भी जमानत आज नहीं देनी है। मकर राशि के जो जातक हैं आज निजी अर्थात पारिवारिक झगड़े का जो असर है वो आपके प्रोफेशन पर भी पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों की किसी अपने पुराने परिचित से भेंट होगी जो कि लाभदायक रहेगी। और मीन राशि के जो जातक हैं उनके जनसंपर्क का, पब्लिक मीटिंग्स का जो दायरा है वो बहुत बढ़ेगा और वो इनके लिए लाभदायक भी रहेगा। तो आइए साथियों, अब एक एक करके ये जो कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, किस राशि के लिए क्या लेकर के आया है अपने पारिवारिक जीवन के लिए और उसको संवारने के लिए क्या छोटा सा उपाय उनको करना चाहिए। साथियों, यदि आपकी मेष राशि है और पति पत्नी में किसी प्रकार के कोई विवाद चल रहे हैं तो मतभेद आपका समाप्त अवश्य हो जाएगा। यदि आप कंवारे हैं तो ऐसा विवाह का प्रस्ताव जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये गोचर आपके लिए लेकर के आया है। यदि आप शादीशुदा हैं और संतान प्राप्ति की आप प्लानिंग कर रहे थे तो अगले दो वर्ष में आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा और मन चाहिए आपको संतान भी अवश्य प्राप्त होगी। आपको इस राशि परिवर्तन के तुरंत पश्चात ही नियमित रूप से रोजाना कर सके तो बहुत बेहतर है, नहीं तो शनिवार को शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए थोड़ी सी यहां पर निराशाजनक स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में खटास बढ़ सकती है उनके। आपके अपने इन लॉस से अर्थात तो जो ससुराल पक्ष के आपके सदस्य हैं उनसे किसी प्रकार का विवाद बढ़ सकता है। यदि तलाक का केस चल रहा है तो उस पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख अर्थात वो केस अभी और लंबा खिंच सकता है। दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको चाहिए कि पीपल के वृक्ष में रोजाना जल समर्पित करें, तीन परिक्रमा करें, उनका आशीर्वाद लें तो नकारात्मक परिणाम आपको कम से कम मिलेंगे। मिथुन राशि, यदि आपका भी किसी प्रकार का विवाद या तलाक का कोई मुकदमा चल रहा है तो वो समाप्त होकर के किसी प्रकार का समझौता होने का पूर्ण चांस आपके इस गोचर के दौरान रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में विदेश यात्रा पर जा सकते हैं जो कि बेहद ही सुखद रोमांचक रहेगी। और कुंवारे लोगों के लिए भी यहाँ पर खुशी का ये पैगाम है कि विवाह की बात जो अधूरी पड़ी हुई थी वो आगे बढ़ेगी और विवाह भी आपका अवश्य ही संपन्न हो जाएगा। आपको चाहिए कि संध्या काल में आपके आसपास किसी मैदान में जहां कहीं भी आपको चींटियां या कीड़े मकोड़े नजर आते हैं उनको कीड़ी नगरा जरूर आपको सींचना चाहिए। नियमित रूप से कोई मीठा पदार्थ उनको प्रदान जरूर करना चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। यदि कर्क आपकी राशि है तो ये गोचर आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर लेकर के आया है। जो गृह कलेश है वो बढ़ सकता है, गृह कलेश की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। यदि महीने में एक बार झगड़ा होता था तो हो सकता है कि अब वो दो तीन या चार बार होने लग जाए। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको चिंता इस गोचर के दौरान बढ़ सकती है। आपको ये चाहिए कि आप शनिवार को सरसों के तेल का दान करें या फिर सरसों के तेल में बनी हुई खाद्य सामग्री का दान करें। साथियों, यदि आपकी सिंह राशि है और आप पति पत्नी दोनों ही यदि नौकरी में है तो हो सकता है कि दोनों के स्थानांतरण अलग अलग स्थान पर हो जाएं, जिससे कि आप लोग फिजिकली एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जो वाकई में थोड़ी सी चिंताजनक बात है ही। ससुराल पक्ष से भी आपका जो अनबन है वो हो सकता है किसी पुराने मुद्दे पर गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं। आपको चाहिए कि आप काग अर्थात कौवे को रोटी नियमित रूप से प्रदान करें, शनिदेव आपको आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। साथियों, बात करते हैं कन्या राशि के लिए और खास तौर पर गृहिणियों के लिए बड़ी यहां पर खूबसूरत और शुभ समाचार है। वो ये है कि यदि आप अपने अध्ययन को बीच में छोड़ दिया था आपने तो आपको दोबारा इस गोचर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, किसी प्रकार की डिग्री भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और संतान प्राप्ति की यदि आप इच्छा रखते हैं तो इस गोचर में आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी शनिदेव अवश्य ही प्रदान करेंगे। साथियों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो अपने जीवन साथी के साथ में जो एक लगाव होता है, जो एक अंतरंगता होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी इस गोचर में देखी जाएगी।
यदि लव मैरिज की आप तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी किसी प्रकार का अड़ंगा इस गोचर के दौरान आ सकता है। इन दोनों ही समस्याओं से मुक्ति के लिए, निजात के लिए आपको चाहिए कि सुंदर कांड का पाठ आप नियमित रूप से करें, रोज करें बहुत बेहतर है, नहीं तो शनिवार को तो आपको करना ही है। साथियों, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो गृह कलेश एक बड़ा हेडेक आपके लिए बन सकता है। बुरी खबर सुनाते समय हमें भी थोड़ा सा अंदर क्लेश होता ही है, परंतु सत्य आपके सामने प्रस्तुत करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि शादी की बात कहीं पक्की भी हो गई थी, रोका मंगनी या सगाई हो भी गई थी, तो उसके टूटने के भी चांस यहाँ पर निश्चित रूप से बन रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अमावस्या के दिन सरसों के तेल का जो दिया है वो पीपल वृक्ष के समक्ष लगाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें, शनिदेव आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। साथियों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है इस गोचर के माध्यम में। आपकी शादी इस गोचर के दौरान अवश्य ही हो जाएगी और पति पत्नी में किसी प्रकार का विवाद था, तलाक की स्थिति थी, तो वो स्थिति भी जरूर समाप्त हो जाएगी। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी ये गोचर खुशखबरी लेकर के आया है। मन मुटाव पति पत्नी का दूर होगा और आप सपत्निक विदेश यात्रा पर जरूर जाएंगे, वो भी एक दूर की विदेश यात्रा आपकी होगी। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से जरूर करना चाहिए। साथियों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो पति और पत्नी के बीच में संपत्ति को लेकर के, धन राशि को लेकर के, किसी भी प्रकार के गहनों को लेकर के वाद विवाद बढ़ सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले जो हैं खासतौर पर, उनके दाम्पत्य जीवन पर अधिक संकट किसी प्रकार से आ सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर भी रहे हैं, प्रयास भी आपके जारी हैं, परंतु वो परिणाम इस गोचर में आपको नहीं मिल पाएंगे। इन सभी परिस्थितियों से निजात प्राप्त करने के लिए इस गोचर के प्रथम दिन से ही माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से किसी कार्य के लिए प्रस्थान करें, नियमित रूप से वृद्ध जनों की सेवा करें, आपको शनिदेव आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। साथियों, बात करते हैं अंत में मीन राशि की। मीन राशि के लिए भी ये गोचर कोई बेहतर नहीं रहने वाला है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति के आने के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के यहां पर योग निर्मित हो रहे हैं। जीवन साथी का जो रवैया है वो आपके ऊपर कंट्रोल करने का होगा, तानाशाही पूर्ण रवैया उसका होगा, जो कि आपको नागवार गुजरेगा। साथियों, आपको चाहिए कि आप इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनिदेव जरूर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं हमारे कमेंट के सेक्शन की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये लिखा है अर्चना गुप्ता जी ने, आपने लिखा है कि कोटि कोटि प्रणाम आचार्य जी। अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगला कमेंट रोहित कुमार जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल ठीक, सही और सटीक उत्तर दिया है, 108 नाम। तो रोहित कुमार जी, आप भी साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। अगला कमेंट ये नियमित हमारे दर्शक हैं शकुन शरण जी ने लिखा है कि आदरणीय आचार्य जी प्रणाम, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मेरी टिप्पणी शामिल करने के लिए आभार आपका, अनंत कोटि नमन व वंदन स्वीकार करें। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराई। तो साथियों, ये था हमारा आज का विशेष गोचर से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें कि शनिदेव के बारे में हमने चर्चा की, कुंभ अपनी मूल त्रिकोण राशि में वो जाकर के पर्सनल लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले थे। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।